उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गई है, जिसके चलते वहां पर कई यात्रालु और पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में इस वक्त जो अन्य खबर सामने आई है उसके मुताबिक राजकोट के 30 जितने यात्रालु भी उत्तराखंड में फंसे हुए हैं और उन सभी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें ठीक से खाना और पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। हालांकि ये सभी यात्रालु सही सलामत जगह पर है और राजकोट के कलेक्टर ने उनके साथ फ़ोन पर बातचीत भी की थी। वैसे इन सभी को ठीक से खाना पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, लेकिन सही सलामत स्थल पर होने की बात इन सभी की ओर से बताई गई है। मेरा नाम किशोर जोशी, मेरा छोटा भाई जो राजू इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन है, राजू भाई जोशी, और उसकी वाइफ, उसके 15-16 फ्रेंड्स के साथ फैमिली में 12 तारीख को यहाँ से चारधाम यात्रा के लिए निकले थे। शुरुआत के दिन अच्छे रहे, लेकिन परसों जब वो केदारनाथ पहुँचे तो केदारनाथ भयंकर बारिश हुई और पवन भी बहुत था, तो उसको मुश्किल ही हुई और सब वाहन व्यवहार बंद हो गया, यातायात बंद हो गया, हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई। वहाँ से जो घोड़े और खच्चर के मुसाफिर निकलते थे वो भी बंद हो गए, तो वो वहाँ फंस गए हैं। वहाँ बारिश भी बहुत थी, कल भी बारिश, पूरा दिन बारिश रही, हवन भी बहुत था, ठंडी भी बहुत थी, तो हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। अब आज सुबह हमारी बात हुई तो थोड़ा एटमोसफियर क्लियर हुआ है, तो हमें आशा है कि भगवान महादेव की भोलानाथ की कृपा से वो जल्दी से सलामत स्थल पर पहुँच जाएंगे और जल्दी से राजकोट वापस आ जाएंगे। गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, ऐसा हमें पता चला है। हमारी अपेक्षा इतनी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ जो लोग फंसे हैं, हमारे लोग फंसे हैं, फैमिली मेम्बर फंसे हैं और बाकी के जो लोग भी फंसे हैं, उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए और कहीं सलामत प्लेस पर पहुँचा दिया जाए, ताकि हमें भी उसकी फिक्र न रहे, चिंता न रहे और वो लोग भी आराम से रह सके। आज सुबह मेरी बात हुई राजू भाई से हुई है, जो बात हुई उससे ये पता चला है कि आज सुबह 8-8:30 बजे से एटमोसफियर वहाँ क्लियर हो रहा है, बारिश रुक गई है। तो हम चाहते, हमारी अपेक्षा है, हम भोलानाथ से प्रार्थना करते हैं कि बारिश रुक जाए और वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। अगर बारिश रुकी रहेगी तो वो जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं, फिर से बारिश आती है तो हमें पता नहीं है क्या होगा। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।